जल तो गया, नीचे का ये जला है। बाहर से पूरा क्रिस्पी हुआ है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कैंपिंग वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हो रहा है और आज का वीडियो भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सुबह सुबह ना हम लोग का कोई और वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन अभी फिलहाल मौसम ऐसा हो गया है, मौसम को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मूड चेंज, गाइस चेंज हो गया भाई। अभी जा रहे भाई सुबह से ना भयानक तेज बारिश, और अभी थोड़ा घट गया है। हम लोग जा रहे पूरा दिन भर ना बढ़िया कैंप सेट करेंगे, सिर्फ खाएंगे, सिर्फ खाएंगे, मस्ती करेंगे भाई। भाई अल्टीमेट लेवल का कैंपिंग, ओके, ये हम लोग का भाई एक ट्रीट कैंपिंग होने वाला है, और वो भी नया टेंट के साथ। भाई देखना क्या गजब टेंट लिया हो, ठीक है, मस्त टेंट है। और देखो बारिश भी तेज होगी आप लोगों के लिए भाई। मौसम देखो, एकदम मौसम ये राजेश भाई आपको तो पता ही है, और ये है आपका सभी का चहिता टिंकू भाई, और ये है हमारा एक मिनी ब्लॉगर दोस्तों। तो गाइस चलो, बारिश ने हमारा बात सुन लिया, तेज हो गया, और भाई सही बता रहा हूँ, आज का वीडियो ना बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, सही में मजा आएगा। कि हम लोग को अभी से इतना मस्त फील हो रहा है, सुबह से कुछ खाए ही नहीं है हम लोग, अभी जाएंगे खाना बनाएंगे, खाएंगे फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर रात को फिर डिनर बनाएंगे, फिर मतलब रात तक 4-5 बार हम लोग बनाएंगे, क्या क्या देखते रहो, बस खाते जाए, मजा आएगा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए फाइनली अपना लोकेशन तक, ठीक है ना। यहाँ से आगे एक वाटर स्ट्रीम है जिसको क्रॉस करके हम लोग उस साइड जंगल की तरफ जाना है, और वहाँ पे जाकर कैंप सेट करना है। बारिश होते रहे दिन भर भाई, आज मज़ा आ जाएगा। चलो जल्दी से गेटअप में आ जाते हैं, रेनकोट वगैरह पहन लेते हैं, फिर चलते हैं। आ जाओ, चल रेडी हो जाओ। तो गाइस हम लोग टोटली रेडी हो गए हैं, सामान बहुत ज़्यादा है, सामान बहुत ही कम है गाइस, ज़्यादा सामान है, बहुत ही कम, लेकिन बहुत दिनों बाद गर्मी के अंदर ये बारिश जो मजा आ रहा है, ये बारिश का मौसम। और कितना दूर? अभी मंजिल अभी पास है, क्या कर रहे, पानी बहुत ज्यादा है। मैं बोल रहा था ना, क्या राजीव भाई को बोल रहा था, राजीव भाई वो झरने में अगर पानी ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बहुत पानी है अब भाई, क्या कर भाई, थोड़ा रखते हैं इसको, सोचने दो, पार कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा पानी नहीं है। मेरा भाई कहाँ पे खराब हुआ था, क्या क्या मेरा बाइक यही पे, ऐसे जाना पड़ेगा इधर से आके, ऐसे फिर ऐसे, सही लग रहा है ना, परफेक्ट तो फ्लैट है, और आसपास भयानक जंगल है, है। लेकिन एक चीज नहीं है, बारिश, बारिश की कमी है अभी, बारिश कहाँ है। चलो कोई नहीं, मौसम तो ठंडा है, बढ़िया है, ठंड
मजा आएगा। चलो काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से एरिया क्लीन करते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है अपना टेंट सेट करते हैं। और इस बार का टेंट बड़ा मस्त टेंट है, मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, बढ़िया टेंट। चलो सामान पहले एक साइड साइड करो, साइड करो साइड करो, इसको पहले इसको लगाते हैं, अभी से कुछ नहीं पता चल रहा है। ये तो फ्रेम रेडी हो गया हम लोग का। अब ये जो भाई है हमारे साथ, इसका नाम है राजा, ये बोल रहा है कि अभी भी है, ये किसके लिए है, अभी भी क्या बाकी है, तो मेन पार्ट है अभी। देखो भाई मजा तो अभी है, लुक अब तक आया है नहीं, भाई बस बन के तैयार हुआ है, इसके ऊपर से और एक लेयर लुक देना ही बाकी है। अरे वाह, मैं इतने टी शर्ट के साथ मैच हो रहा है। हाँ वही तो, पकड़ सुन ले। अब बोलिए थोड़ा बैंड क्यों है? पता चल गया, पता चल गया। अरे वाह, जियो नहीं आया, आइडिया आया, आइडिया आया। चलो लगा देते हैं यहाँ पे, चलो अभी हुक लगाने की बारी है। टेंट पिच कर रही है वाला खींच के करना, ठीक है इनको। और खींचो राजू, तुम्हारे साइड और खींचेगा, लगाओ ना, ज्यादा एंगल करके लगाना चाहिए, समझ रहे। खींच के करना पड़ेगा, थोड़ा खींचो ना भाई, खड़े होकर कैमरा के पीछे क्या कर रहे हो भाई, कैमरा देख रहे हो, खींचना तो पड़ेगा, ऐसे मत खींचो पीछे से उतर के चला है। अब वो टाइप ना, वो साइड में खींच तो थोड़ा। गाइस ये देखिए हमारा जो फाइनली टेंट पूरा सेट हो चुका है, देखते अंदर कितना मस्त है। ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ, यहाँ पे हम लोग सामान वामान वही रख सकते हैं, या फिर भयानक बारिश के दिन दरवाजा बंद कर दो। ये देखो विंडो दे दिया है, दोनों दो दो विंडो दिया हुआ है, बाहर का नजारा भी देख लो और खाना, बाहर का नजारा भी देख सकते, खाना खाना भी बना लो, और भाई उसके अंदर बाद में आएगा फिर सोने की बारी। बेडरूम, किचन बेडरूम भाई, ये है 1 BHK। किसको चाहिए कॉन्टेक्ट करो।
लेकिन दुख एक चीज़ की है कि बारिश कम हो, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आज शाम से लेके कल भयानक बारिश होने का चांस है, हम लोग तो कल तक रुक रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, है ना, बारिश तो मिल ही जाएगा हमको। बहुत दिन बाद चापलिन का यूज हो रहा है ना, हम लोग सूख गया है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सेटअप पूरा रेडी हो चुका है भाई, क्या ही गजब लग रहा है अभी ना, बारिश क्या बारिश की बारिश की अगर दद्दू भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा सेटअप बना के रखा हूँ। बस होप करता हूँ भयानक बारिश हो जाए, तो जो भी हो ये सेटअप रेडी हो चुका है, अभी काम बाकी है कि भाई देखो कैंपिंग करने आए हैं ना, बिना बॉनफायर का भाई मजा नहीं आता है, लेकिन भाई पूरा बहुत कुछ गीला हुआ है इधर, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल मैं और टिंकू जा रहा हूँ जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए, कैसे भी करके आग लगाएंगे, थोड़ा केरोसिन भी लेके आए साथ में आग जलाने के लिए प्रॉपरली। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या करेंगे, सामान सारा अंदर रखेंगे और उसके बाद नूडल्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ उसके बाद खा लेंगे, क्योंकि बारिश हुआ ना, झटपट सारा काम छोड़ के भाई जल्दी से निकल आए पूरा सेटअप लेके, और आते ही देखते बारिश बारिश खत्म था, ये कुछ भी नहीं खाया हम लोग। तो तुम लोग सारा सामान अंदर रखो और नूडल्स बनाओ, हम दोनों जा रहे हैं लकड़ी इकट्ठा करने। डन, ये लो डन 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 डन, और ये चाबी अंदर रख देना, ठीक है। ये तो पूछना भूल गया, हमारा सेटअप कैसा लगा बता दो कमेंट में। ये वाला है क्या, सूखा है? नहीं मतलब वो वैसा तो, अरे भाई कांटा इतना कहाँ से आ गया, ऊपर आया है हाफ पैंट में। ओ भाई। नहीं नहीं पूरा मिट्टी अंदर। सो गाइस, हम लोगों ने जो सामान हमको रखना था वो सब तो हम लोगों ने रख दिया टेंट के अंदर, और जैसे कि राजेश भाई हमको बोल के गए, उन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया, हम लोगों ने भी कुछ भी नहीं खाया, तो हमें से खाली पेट इप्पी बनाना पड़ेगा, नूडल्स बनाना पड़ेगा, इप्पी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको गैस चाहिए, तो गैस निकाल लेते हैं और इप्पी भी निकाल के बना लेते हैं। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। आ देख इधर, ये पेड़ पूरा सूखा लग रहा है, नहीं सुखा है ना पूरा? चलो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, गीला हो चुका है ना? नहीं गीला तो नहीं हुआ, लेकिन बढ़िया का लकड़ी है। इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही करना पड़ेगा हमको सब कुछ। तो हम मुझसे ज़्यादा ही पी, मुझे मेरे दोस्त को बनाना आता है, क्योंकि हम जब भी पिकनिक वगैरह में जाते तो यही सब कुछ करता है, खाना पकाना वगैरह सब कुछ। मतलब मुझे उस साइड में मुझे प्रोफेशनल बना दिया है तुमने। तो दस पैकेट है, दस पैकेट है। इसको ना हमको एक ये प्लेन सरफेस पर रखना पड़ेगा। ये आ गया हमारा कढ़ाई। तो बैंड नहीं हो गया ये? उसके लिए तो बोल रहा हूँ इसको सही से ये कर, पानी की तरह साइड में। ठीक फेंकना नहीं चाहिए, इसमें रख देंगे ना, इसमें रख देंगे एकदम बाहर। एक मसाला निकाल लेते हैं, एक निकाल लो, थाली निकाल लो। वाह तुम लोग तो एक सारा लकड़ी लेके आए हो, सब सूखा है? हां आज तो बॉनफायर भयंकर लग रहा है। चलो चलो बे,
इधर रख दो, इधर रख दो, साइड में रख दो, साइड में रख दो। पानी पिला दे यार थोड़ा, ये लो पानी भी पिला रहा हूँ। ओ भाई बढ़िया सेटअप करके बैठ गए थे तुम लोग। बारिश के टाइम में ना लकड़ी ढूंढने का मजा ही कुछ और कुछ है, कुछ ज्यादा ही मजा है। इससे बनाते हैं ले लो। हाँ। क्यों ये नहीं लाए क्या? हाँ लाए, उससे अलग ही मजा है। जल्दी बनाओ ठीक है, पानी भी थोड़ा संभाल के। सही है ना प्रोसेस? सब सही है भाई, भूख जितना जोरों की लगी है ना, जैसे बन जाए वैसे खा लेंगे, वैसे खा लेंगे। और ऊपर से लकड़ी लाते लाते ना भाई, हम लोग का हो गया हालत खराब। ठंडी में गर्मी लगने लगा है, पसीना आ गया। चलो टिंकू और लेके आते हैं भाई। लेकिन एक चीज सही है भाई, सेटअप बड़ा मस्त लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। ऐसे दो तीन दिन रुक जाते हैं यहाँ पे। एक चीज गलत है, बारिश नहीं आ जाएगा, बारिश आ जाएगा। जल्दी से बॉनफायर रेडी करते हैं। लाइटर लाइटर नहीं किया। अरे ये दोनों दोस्त बंदर जैसा बैठ गए खाना बना रहे। बोले आज शेफ, शेफ तुषार, शेफ तुषार, मिस्टर राजा जारी है पीपी बनाने में। पानी पी लेंगे, पूरा ड्राई करो। नहीं नहीं ड्राई, मैंने बोला था कि पानी थोड़ा कम डालें भाई। होप तो है आग लग जाना चाहिए, ये भी सारा गीला है, लेकिन जो केरोसिन डाला गया उसकी वजह से शायद सब सूख के आग लग जाना चाहिए। फ्लेम कहाँ से कम करते हैं इसको? जल तो गया, नीचे का ये जला है। पानी और सुखाऊं क्या इसमें? पानी हाँ चल जाएगा। आग भी जल गया और हमारे नूडल्स भी रेडी। आग जलने के बाद बढ़िया गरम गरम लग रहा है, मजा आ रहा है। ठंड के मौसम में मतलब बारिश भी थोड़ा बहुत हो रहा है। गर्मी के मौसम में ठंड का मजा और उसके अंदर गर्मी का मजा। हाँ वो तो सही है भाई, गर्मी का मौसम में ठंड में गर्माहट का मजा। बारिश भी शुरू हो गया, आवाज आ रहा है बारिश का थोड़ा। चलो तुम कैमरा सेट करो, तुम भी आ जाओ, आते हैं। इनको नहीं मिलेगा भाई, बहुत जोर की भूख लगी है। तो चॉपस्टिक भी लेके आए चार चार। चलो भाई, चलो भाई भूख मिटाते हैं। मतलब मजा आ गया, दुगना हो गया यार भूख की वजह से। नहीं जी देखो गाइस, आप लोग एक देखो, अब इसका ऐसा एक्सप्रेशन क्यों निकला? ये तो भाई पहली बार आया है, वो भी इस नॉर्मल इपी नूडल्स खा रहा है। मतलब बात यह है कि ना, ऐसे जगह पे ऐसे सेट करके पेट में भयानक भूख रहता है थंबनेल लेके, तब ना भाई खाने के बाद उसका स्वाद ना डबल हो जाता है। सही है, समझ रहे हो, इसलिए हम लोग के मुंह से ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है। बहुत दिनों का चौफटे पकड़े हुए भाई, याद ही नहीं आ रहा क्या? मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो ऐसे घुमा घुमा के खा रहा हूँ। भाई इसमें भी कोई कमेंट करेगा ठीक है ना भाई, क्या चाइनीज हो गया चॉपस्टिक से खा रहे हो? मजा आता है भाई। नहीं नहीं ठीक से मैं एक बंदा कमेंट किया था ठीक है ना, मैं उसको भयानक सुनाया था। क्या सुनाया था पता है? एक बंदा कमेंट किया कि भाई अबे चाइनीज है क्या तू चॉपस्टिक से खा रहा है? बोला अबे तू मतलब अभी जो इतना ज्ञान झाड़ रहा है इंग्लिश में झाड़ रहा है, इसका मतलब तू क्या ब्रिटिश हो गया? इंग्लिश में झाड़ रहा है मतलब वो जो पूरा ये चीज बोला ना इंग्लिश में बोला था ठीक है। फिर बोला तू भाई तू झाड़ रहा है ज्ञान झाड़ रहा है, तू खुद ही इंग्लिश में ज्ञान झाड़ रहा है। हम हिंदी को रिप्रेजेंट करते हैं HINDI। भाई चॉपस्टिक में खाने से हम चाइनीज बन गए। क्या सही लॉजिक है भाई। तो फिर ये मत खाओ भाई, फिर चिल्ली चिकन मत खाओ, कपड़ा भी हिंदुस्तानी पहनो। हाँ
कैसे कैसे लोग रहते हैं क्या देखना पड़ रहा है अच्छा में नहीं, वो बोलते हैं ना वो मूवी में साला छोटी गंगा बोल के नाले में बोल दिया कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे भाई। उस मूवी में ना वो वाला डायलॉग जो भाई लगा था बड़ा कमजोर लेग पीस है, बोली हो गया था। बाद में पता चलता कौवा का लेग पीस था, कौवा बिरयानी 500 रुपए भागा। हम लोग खाना पीना खा के बैठे हैं, बढ़िया आँख सेक रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा काम करना बाकी है, जैसे कि बेड रेडी करना। पहले तो मैं काम कर देते लाइट लगा दो, और उसके बाद हम लोग स्नैक में आज बनाने वाले हैं चिकन पॉपकॉर्न। ठीक है, लाइट लगा दूँ? हाँ आता है लगाना, तो घुमाना है पूरा। तो बनाने वाले चिकन पॉपकॉर्न, KFC वाला चिकन पॉपकॉर्न नहीं, TTW वाला चिकन पॉपकॉर्न। ठीक है ना, TFC ना तो उसके लिए चिकन मैरिनेट करना पड़ेगा, तो मैं चिकन मैरिनेट करता हूँ। और इस बार बेड बनाने का जिम्मेवारी है, बड़ा खुशी से बोल रहे हैं। जब हरा पीला नीला दिखाई देगा तब नहीं, फिर उधर से जाने का रास्ता नहीं है ना बाहर। तो चलो भाई, आज एक चीज ना बड़ा मजा आ रहा है, सिर्फ खाना है आज, बड़ा बढ़िया बढ़िया डिश खाना, खाना खजाना है, यही है, बड़ा मजा आ रहा है आज। चलो जल्दी से लाओ, मुझे नशा हो गया है। और भी करो, अभी नशा हुआ है, थोड़ी देर बाद उतरने वाला है नशा। क्या क्या जाएगा? जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, विनेगर, नमक, ये रहा जिंजर गार्लिक, ये गया रेड वाइन विनेगर, मैरिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे लकड़ी वगैरह सारा रख दिया हूँ ताकि बढ़िया से सूख जाएगा। और अभी अंदर चल रहा है हम लोगों का प्रिपरेशन, है ना? तीनों लाइन में क्या कर रहे हो? देखो तुषार बोल रहे हैं मेरा काम कोई दिखाता नहीं, मैं काम करता हूँ, और ये तुषार काम कर रहा है, बेड रेडी कर रहा है, लेकिन क्या मस्त लग रहा है। मेन स्ट्रगल तो मैंने किया है ना ये फुला कर। और ये बेड रेडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दिखाओ, और लाओ वो दोनों लाओ, हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे, कितना मस्त फील हो रहा है इसके अंदर। सही में भाई, एक ना पूरा इसके अंदर सोलो कैंपिंग करूंगा, पूरा टेंट के अंदर, बाहर बाहर भाड़ में जाए इसके अंदर ही। इसके अंदर ही पूरा कैंपिंग रहने वाले। भाई देखो ऐसा लग रहा है, कितना लंबा घर है देखो, इसमें देखो बाहर, अरे हाँ बहुत लंबा लग रहा है। हम पेंगुइन बन गए गाइस, हम पेंगुइन है, हमारा घर है, हमारा घर। पैक 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 पैक। कार्ड्स खेलेंगे बहुत टाइम तक, जब तक भयानक भूख ना लगे, खतरनाक भूख ना लगे, और तब तक मैरिनेट भी हो जाएगा बढ़िया से, और उसके बाद जाकर बनाएंगे। और हट जा थोड़ा, देखो गाइस यहाँ से कितना मस्त दिख रहा है पूरा। चलो मारो, अब ऐसे ओपन करके देना पड़ता है। अच्छा
गाइस हम लोग का जो कार्ड्स खेलना ख़त्म हो गया और भाई एज यूजुअल जो लूजर है वो मैं हूँ वो बोल दिया भाई तुषार है और इस बार विनर टिंकू है, मैं सेकंड हूँ, नहीं लूजर तुषार नहीं वे राजा मेरा राजा है नमस्कार भाई और बहनों और भाई जीत के ना भाई भूख लग गया है, ठीक है तो जल्दी से अपना चिकन पॉपकॉर्न का तैयारी करते हैं। और एक चीज़ ये सोच रहा हूँ, ठीक है ना तुषार, आग जब जल रहा है ठीक है बढ़िया से, तो हम लोग गैस के इस्तेमाल क्यों करें? हाँ, वो भी तो सही है, चूल्हा बना ले, चूल्हा बना लेते हैं ना, ठीक है जाओ पत्थर लेके आओ, तुम दोनों मिलकर चूल्हा बनाओ ठीक है, और हम इधर यहाँ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो वही तो करो करो, तुम लोगों को जो सही लग रहा है करो, साइड में बनाते तो बना लो, पे रहने दे, इसको हटाओ इसको हटाओ, ये कोयले को और आगे जाएगा, पूरा नहीं डालना है ठीक है। ये गया नमक इसके अंदर, इसको भी हटाना पड़ेगा, जिंजर पाउडर, बाद अब आया ये ऑनियन पाउडर, बारिश में भाई थोड़ा मिर्ची तीखापन के लिए, और ये हो गया हमारा ड्राई बैटर रेडी, इसको मिक्स कर देते हैं और इसमें करेंगे चिकन मिक्स, मैरिनेटेड चिकन है ना, जल्दी से बन जाए तो और बढ़िया खुशबू आएगी, स्वाद भी बढ़िया आएगा भाई। ये सिंपल बढ़िया एक आइडिया है मेरे पास, ठीक है ना, जी नहीं हाँ ओनली आइडिया है, आइडिया जबरदस्त है। कोई बात नहीं भाई, भूख भूख भी बहुत, ये रहा गरम हो गया ना, हाँ बढ़िया, ज़्यादा ही गरम हो गया, यही दिक्कत है। ओए हाय ज़्यादा गरम हो गया रे, ये वाला सही सा हो रहा है नहीं, चला गया जिसके ऊपर थोड़ा ना जो सीजनिंग और चाट मसाला डाल देते हैं। अभी केएफसी वाला तो ये तो नहीं है हमारे पास मसाला, तो हमारा अपना खुद का काम चलाओ, काम चलाओ। अरे भाई बस चलो शुरू करेंगे, शुरू करते हैं। तो सीजनिंग का जो मस्त प्यार हुआ होगा चिकन फ्राई में बहुत ज़्यादा, हालांकि ये नहीं बोलूँगा कि केएफसी का चिकन पॉपकॉर्न जैसा है कि उससे ज़्यादा टेस्टी है, उससे कम ही है, कमी है लेकिन लेकिन भाई बहुत सही जो है, बहुत है, बाहर से पूरा क्रिस्पी हुआ है, अंदर से पूरा सॉफ्ट है। चाट मसाला एक तो पड़ दो मैंने ना, थोड़ा सा और चाट मसाला थोड़ा सा मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।